नमस्कार, आप जीएन भारत देख रहे हैं और जीएन भारत में हम जो है अलग अलग प्रत्याशियों के बारे में हम दिखा रहे हैं। जो प्रत्याशी नामांकन किए हैं, हम बताते चले कि आज रांची डीसी ऑफिस में कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, तो वहीं एक महिला प्रत्याशी ने भी नामांकन किया है जिनका नाम है सीमा राय, जो कांके विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने के साथ साथ उन्होंने एक बड़ी बात कहते हुए कहा है और जीत का बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि हम जरूर जीतेंगे और जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सीमा राय क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं, सुनाते हैं आपको। रहेगा कि मैं जीत के आऊँ, आज तो मैंने नामांकन किया अपने हजार समर्थकों के साथ, महिला पुरुष प्लस युवा वर्ग, और अब मैं जीत के आऊँ। मेरे मुद्दे हैं रोड, सड़क, वही सड़क वही हुआ, बिजली, महिला सशक्तिकरण, युवा वर्ग, रोजगार, युवा वर्गों का रोजगार, यही हमारा रहे जी। अगर दिग्गज हैं तो 5 सालों में क्षेत्र वालों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? आज क्षेत्र वाले उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि सारे लोग विरोध पे उतर आए हैं, तो क्यों? अगर प्रत्याशी सही था तो फिर 5 साल बाद प्रत्याशी क्यों बदला गया, और जब बदला गया तो फिर उसको क्यों लाया गया, बताइए, आप ही बताइए क्यों लाया गया? नहीं लाना चाहिए था, विरोध हो रहा है। ये बताना अभी ठीक नहीं होगा कि मैं क्या करूंगी, समय बताएगा कि मैं क्या करूंगी। बताते चले कि कांके विधानसभा क्षेत्र से कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि जीत का दम भर रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। जिस तरह से सीमा राय ने अपना नामांकन दाखिल करने के साथ ही जिन्होंने जीत का बड़ा दावा किया है, तो इसमें देखने वाली बात है कि जीत के बड़े दावे में वो किस तरह से वो पास साबित होती हैं। रांची से जीएन भारत के लिए मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।